आपके हरिद्वार इसी से कानपुर होते गंगा नदी इधर से आती है। आप जमुना जी साइड से ये निशानी देखो साहब, थर्मोकोल में दीप जलाया हुआ है गंगा जी में। यहाँ भी थर्मोकोल पे पूजा पाठ करके हवन सामग्री हवन किया है। तो यहाँ जो लोकल ब्राह्मण हैं, जो पंडे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि संगम में प्रयागराज में इस तरह का काम ना करें। बीच संगम में आकर हवन करने की क्या आवश्यकता है, किनारे करें। और अगर आवश्यकता है भी तो जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं हवन सामग्री जैसे, वो इसमें किसी पत्ते पे थोड़ा सा जला करके डाल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से गंगा जी को आप पवित्र करना सही नहीं है। वैसे यहाँ पे मशीन चलती है, लोग बता रहे हैं, जो प्लास्टिक यहाँ से निकाल लेती है जल से। पर मशीन की आवश्यकता क्यों पड़े, हम इंसान हैं, हम में सद्बुद्धि है, हमें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए कि मशीन लानी पड़ जाए हमारी गंदगी को हटाने के लिए। पवित्र नदियाँ हैं, गंगा जी और जमुना जी का संगम है। त्रिवेणी घाट पे हूँ मैं, त्रिवेणी पे हूँ, घाट तो नहीं, त्रिवेणी पे हूँ। मुझे बहुत प्लास्टिक दिख रही है यहाँ, ये प्लास्टिक का कट्टा है यहाँ। रेकलेसली इस तरह से नहीं करिए, जो भी आते हो ना गंगा जी के किनारे, ऐसे काम से बचिए। यहाँ प्लास्टिक है, पूरी डाल रखी है प्लास्टिक के अंदर। अगर पूरी वैसे ही डालेंगे ना मछलियाँ खा जाएंगे, प्लास्टिक के अंदर कैसे खाएंगी। थिंक ऑन दीज थिंग्स, छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बड़ी हो जाती हैं। ये बूमरैंग करके हमें ही नुकसान करता है। जल है, इसी का हम सेवन करते हैं, भूमिगत जल भी यहीं से आता है। और अगर हम गंगा जी से जल ले रहे हैं तो उसमें प्लास्टिक के कण मिलेंगे घुले हुए। वैसे तो दुनिया की कोई सी भी नदी नहीं बची है जिसमें प्लास्टिक के कण ना घुले हों जल में, तो गंगा जी भी अछूती नहीं रही प्लास्टिक से। पर प्रयास करिए, जैसे रामायण में प्रसंग है ना, गिलहरी ने भी प्रयास किया था लंका के लिए सेतु बनाने में। हम भी कर सकते हैं, जब वो कर सकती है गिलहरी तो हम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।